बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मेरा नाम अजर जाफरी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अजर जाफरी देख रहे हैं। ये वीडियो आप या यूट्यूब पे देखेंगे या आप फेसबुक पेज पे देखेंगे। आज सियालकोट का काफ़ी अच्छा वेदर था। हम लोग सियालकोट से गुजरांवाला बोर्ड गए थे। मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अली जामिन, उसका थोड़ा काम था बोर्ड में, हम वो करवाने गए थे। और बोर्ड से वापसी पे हमारा प्लान बना कि वहाँ वापसी पे ना हमने डस्का से होके जाना है। तो डस्का के बहुत ही फेमस चपली कबाब है जो पूरे डस्का में जाने जाते हैं, पूरे सियालकोट में जाने जाते हैं, पूरे गुजरांवाला में इवन के जाने जाते हैं। और काफ़ी डिफरेंट सिटी से लोग वो चप्पल कबाब खाने आते हैं। काफ़ी बड़ा उनका साइज होता है और सुनने में आया कि वो बहुत मज़े के होते हैं, बड़े लजीज होते हैं। सो अभी हम वापस जा रहे थे सियालकोट की तरफ, तो हमने सोचा कि क्यों ना वो चप्पल कबाब ट्राई करें। और अभी हम चप्पल कबाब खाने जा रहे हैं और फिर वहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं कि चप्पल कबाब कैसे हैं, कैसे नहीं और क्या उनका टेस्ट है। तो मिलते हैं हम आपको डस्का। और मेरे साथ मिस्टर फुरकान हमेशा की तरह, और ये हमारे छोटे भाई सैयद मोहम्मद अली जामिन, और ये अजर जाफरी। सो अभी हम जा रहे हैं रबित का। डाल दे बीच में डाल दे। क्या स्टाइलिश अड्डे डाली भाई। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक एक मिर्च के साथ हमारा आ गया है कबाब। अभी इसको खाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा बना हुआ। इसके बना ली मैंने। इस खाना हमने खा लिया और बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे। और जो इनका कबाब था ना वो ब्लैक कलर का था, लेकिन अंदर से जो मीट था ना वो रेड कलर का था।
और काफ़ी मज़े का था और अच्छा एक्सपीरियंस था। फूड क्वालिटी 10/10 है, टेस्ट भी 10/10 है और एवरीथिंग बहुत अच्छा था। मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आके और कोई भी मुझे इसमें टेस्ट में किसी भी चीज़ में क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। कबाब का साइज़ बहुत अच्छा था और उसके बाद जो उसका टेस्ट था वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा था। कबाब बाहर से काला लग रहा था लेकिन जब हमने खाया तो खाने के बाद अंदर से वो रेड निकल आया। ये कड़े काफ़ी ये तो गाइस हमने कबाब वहाँ से खा लिए, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा टेस्ट था और कबाब का साइज़ भी ठीक था और ऑल ओवर कबाब बहुत मज़े का था। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग आएँ तो यहाँ से ये चीज़ लाजमी खाएँ। जी भैया आपको कैसा लगा? यार मैं बचपन से जब ये कबाब था ना 70 रुपये का, तब से मैं इनसे खा रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है 100 रुपये में मतलब बहुत होता था मेरा बजट, तो 70 का ये लेता था, साथ में 2 नान लेता था और मेरा ना तब कुछ 80 रुपये में, जब 80 का था तब 100 बन जाता था, ऐसे 90 मेरा टोटल बिल बन जाता था। और अब इनका जो कबाब है वो है 140 रुपये का और नान इनका 30 रुपये का हो गया। गाय बहुत महंगाई हो गई। हाँ जी भैया आपको मज़ा आया? भाई बहुत मज़ा आया और मैं भी इनके साथ ही इन सादा कबाब लेके खाता था 80 रुपये का, हम 40-40 रुपये डाल देते थे छोटा। वाह वाह वाह, अब बड़े हो गए? अब बड़े हो गए हैं। अब मेरे साथ है यार, कजन के साथ। यार हम कजन नहीं थे तब। कब? जी तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।